कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ परीक्षितगढ़ के धनपुरा गांव के पूर्व प्रधान का मकान बनाना राजमिस्त्री को भारी पड़ गया। 2.5 लाख रुपए मांगने पर दबंग पूर्व प्रधान ने बहाने से बुलाकर राजमिस्त्री को खेत में ले जाकर पहले यातनाएं दी और फिर 2 गोली मार शव को पेड़ से लटका दिया। राजमिस्त्री के वापस न लौटने पर दोस्त ने पूर्व प्रधान विजय पाल को फोन किया तो जवाब मिला कि मैंने हिसाब पूरा कर दिया है, पेड़ पर लटका शव जाकर ले लो। फोन पर मिली ये सूचना ऐसी थी जिसने दोस्त व मृतक के परिजनों की पैरों तले से जमीन निकाल दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दबंग पूर्व प्रधान फरार हो गया है। मृतक के परिजनों ने पूर्व प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बेहद सनसनीखेज तरीके से अंजाम दी गई इस हत्या के केंद्र में पूर्व प्रधान विजय पाल है, जबकि मारे गए राजमिस्त्री का नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर इंचोली थाना क्षेत्र के साधारणपुर का रहने वाला है। पिछले 1 साल से वह धनपुरा गांव के पूर्व प्रधान विजय पाल सिंह के यहाँ राजमिस्त्री का काम कर रहा था। परिजनों के मुताबिक विजय पाल पर 2.5 लाख रुपए का भुगतान था जो वह दबंगई के चलते नहीं कर रहा था। बुधवार की शाम वह चंद्रशेखर को बहाने से खेत पर ले गया था। थाना परिचितगढ़ के अंतर्गत एक शेखर नाम के 50 वर्षीय लगभग व्यक्ति हैं और ये पिछले 2 माह से एक विजयपाल नाम के व्यक्ति धनपुरा गांव के वहां पर राजमिस्त्री का कार्य कर रहे थे, उनके मकान का निर्माण कर रहे थे। और इसके बाद कल प्रातःकाल इसमें जो राजमिस्त्री काम करने जब गए थे तो कुछ पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें विजयपाल के द्वारा पहले तो गला घोट के उनको मारने का प्रयास किया गया। उसके बाद उसको आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए जो रस्सी और अन्य जो चीज़ें उस पर लटकाया गया और वहाँ से वो फरार हो गया। शाम को जब मृतक के जो परिजन हैं वो उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ कार्य कर रहे थे, तो इनके द्वारा उसके बारे में पूछा गया तो वहाँ पर पता नहीं चला। और बाद में फिर ये जानकारी हुई कि इनकी जो संभवतः हत्या वहाँ पर कर दी गई है। मृतक के शव का जो पोस्टमार्टम वो आज कराया जा रहा है और इसमें जो मृतक के परिजन हैं उनकी तहरीर पर 3 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विजयपाल नाम का मुख्य अभियुक्त और इसके अलावा इसके भाई और बेटे का नाम भी इसमें शामिल है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी जो छानबीन प्रारंभ की गई है इसमें विजयपाल को हिरासत में ले लिया गया, साथ में उसके साथ 3 अन्य जो उसके साथी हैं जो बेटे और भाई नहीं है, उसके अलावा 3 अन्य लोग हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। इन चारों से पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा अपनी पूछताछ में स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा पैसे के विवाद में जो राजमिस्त्री हैं शेखर उनकी हत्या करके उसको आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जा रही है। सर क्या इसमें जो परिजन जब इनको ढूंढते हुए पहुंचे थे गांव में तो ये वहां नहीं मिले, तो इनके द्वारा आसपास के इनके रिश्तेदारों से और लोगों से छानबीन की गई तो किसी के द्वारा फोन से इनको बताया गया कि उसकी जो है हत्या संभवतः इनके द्वारा की गई है और इसी आधार पर फिर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जो मृतक का जो शव है अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जो आज इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। पूर्व प्रधान आरोपी है, मुख्य आरोपी है, क्या उसने ही परिजनों को बताया था कि मैंने तुम्हारे राजमिस्त्री की हत्या कर दी है? इसकी मैं जानकारी कर लेता हूँ। उसमें जो विजयपाल नाम का जो मुख्य अभियुक्त है जिसके यहाँ ये घर पे कार्य कर रहे थे उसके द्वारा ही अन्य लोगों के साथ मिलकर इनकी हत्या की। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।